हर घर में पाई जाने वाली ये चीजें लू से बचाव में कर सकती हैं मदद। गर्मी का मौसम अपने चरम पर है, ऐसे में तेज धूप की गर्मी से लू लगने की संभावना काफी ज्यादा होती है। लू से बचने के लिए आपको कुछ खास सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, जैसे धूप में घर से बाहर निकलने की कोशिश कम से कम करें। अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो खूब पानी पीकर बाहर निकलें। गर्मियों में डिहाइड्रेशन की भी काफी समस्या होती है, ऐसे में पानी से भरपूर फलों, सलाद आदि का सेवन करें। इससे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। एनर्जेटिक रहने के लिए पानी में ग्लूकोज मिलाकर पीते रहें। इसके अलावा लू से बचने के लिए इन तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। लू से बचने के घरेलू नुस्खे दश: धनिया को पानी में भिगो लें, फिर उसे अच्छी तरह मसल कर तथा छानकर उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लें। इस मिश्रण का सेवन करें। इमली के बीज को पीस लें, उसे पानी में घोलकर कपड़े से छान लें। इस पानी में चीनी मिलाकर पीने से लू से बचा जा सकता है। प्याज कचा प्याज लू से बचाने में मददगार होता है। खाने के साथ कच्चे प्याज का सलाद बनाकर खाएं। इसके अलावा लू लगने पर जौ के आटे और प्याज को पीसकर पेस्ट बनाएं और उसे शरीर पर लगाएं, राहत मिलेगी। नींबू पानी में नींबू और नमक मिलाकर दिन में 2-3 बार पीते रहने से लू लगने का खतरा कम रहता है। पुदीना और तुलसी की पत्तियों का हमारे पाचन तंत्र पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। 1 गिलास ठंडे पानी में दोनों पत्तियों के पाउडर और थोड़ी सी चीनी मिलाकर घोल बना लें। इसे गर्मियों में पीने से लू के खतरे से बचा जा सकता है। सौंफ के बीज अंदर से ठंडा रखने की क्षमता से भरपूर होते हैं। इसके लिए कुछ बीजों को रात भर पानी में भिगो कर रख दें। सुबह इस पानी का सेवन करें। इससे गर्मी से राहत मिलने में मदद मिलती है। सत्तू चने के सत्तू में गर्मियों में लू से बचाने के गुण होते हैं। पेट को ठंडा रखने के साथ ही पेट की कई तरह की बीमारियों को भी दूर करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। यदि आप चने के सत्तू को पानी, काला नमक और नींबू के साथ घोल कर लिया जाए तो यह आपके पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता है।